नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में कई सारे शेयर के बारे में। टीटीएमएल के बारे में बात करेंगे, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, अक्षिता कॉटन के बारे में बात करेंगे, कंपनी बोनस हम लोगों को दे रही है उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, लॉयड स्टील के बारे में यहाँ पे इस वीडियो में बात करेंगे, और साथ में यहाँ पे ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड जो राइट इशू कंपनी दे रही है इसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। राइट इशू पे डिटेल वीडियो तो मैं कई बार बना चुका हूँ, अलग अलग बना चुका हूँ, आप लोग कहोगे तो इस पर फिर से डिटेल वीडियो बना दूंगा। हालांकि कुछ डिटेल बनाना नहीं है अभी इसका। राइट इशू का जो है अप्लाई का डेट जो है, मतलब ओपनिंग डेट जो है वो आने वाला है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है ना। आप देखिए, अभी जो इन्हीं चार शेयर के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले चलिए ओरिएंट ग्रीन खुल गया है तो ओरिएंट ग्रीन को ही देख लेते हैं। ओरिएंट ग्रीन ने जो है राइट इशू जो है इशू कर दिया है। 21 रुपये इसका करेंट मार्केट प्राइस ट्रेड कर रहा है, और ये कंपनी टोटल 19,23,07,692 इक्विटी शेयर राइट इशू के तौर पे नए इशू करने वाली है, और इससे इशू करके कंपनी जो है टोटल वही 250 करोड़ रुपये जुटाने वाली है। 13 रुपये इसका जो है इशू प्राइस रहेगा, मतलब 13 रुपये पे आपको जो है नए शेयर कंपनी इशू करने वाली है, देने वाली है, 10 रुपये फेस वैल्यू वाले। इसका रेशियो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, वही 10:51 है। हर 51 शेयर के बदले में आप लोगों को 10 शेयर इसमें राइट इशू का मिलने वाला है। सीधा से कह लें 5 शेयर के बदले में 1 शेयर, ठीक है ना। इसका रिकॉर्ड डेट 13 अगस्त 2024 था, और खरीदारी करने का लास्ट डेट 12 अगस्त 2024 था। तो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट इसका बीत चुका है, लेकिन फिर भी अगर बायबैक में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आरी शेयर खरीद के आप अप्लाई कर सकते हो। आप देखिए यहाँ पे 27 अगस्त 2024 को इसका जो है बिड ओपन होगा, मतलब राइट इशू में अप्लाई भी कर सकते हो और वो आरी शेयर इसका ट्रेड भी करना शुरू कर देगा। तो जो बंदा 13 अगस्त तक इसमें जो है खरीदारी नहीं किया, शेयर होल्डर नहीं है, लेकिन वो भी बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो वो बंदा आरी शेयर इसका खरीद सकता है। जितने आप आरी शेयर खरीदोगे इसके 27 अगस्त से लेके कुछ 10 सितंबर तक उसके आरी शेयर ट्रेड होंगे, तो उसके बीच में आप कभी भी खरीद के खरीदोगे, होल्ड करोगे, तो उतने शेयर आप अप्लाई करने के लिए जो है इजबल माने जाओगे। 13 रुपये वाले शेयर अप्लाई करोगे तो आपको 21 रुपये वाले शेयर दे दिए जाएंगे, लेकिन आरी शेयर उतना रहना चाहिए, चाहे आपके पास पहले से मिला है वो, नहीं तो आप ओपन मार्केट से भी खरीद सकते हो। 27 अगस्त के बाद ट्रेड करना शुरू करेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ओरिएंट ग्रीन का अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे 50 लाख इक्विटी शेयर आज टोटल ट्रेड हुआ है, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू लगभग 11 करोड़ रुपये आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज आज बढ़िया था भाई, 66-66.5% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। फ्लैट क्लोजिंग दिया है, बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दिया, केवल 4-5 पैसे की तेजी के साथ। वहीं पे देखिए, हाल फिलहाल में कोई भी अपडेट नहीं आया, लास्ट अपडेट 13, 14, 15 अगस्त के आसपास का आया है, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया। इस क्वार्टर में इसको जो 29 करोड़ का लॉस हो गया था। चार्ट पे अगर देखेंगे ओरिएंट पावर तो बढ़िया कंडीशन में है भाई, बस वही रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ी सी दिक्कत है, नहीं तो व्यू मेरा पॉजिटिव है। इसमें खरीदारी करने का व्यू है और बिंदास खरीदारी करने का व्यू है, बस वही बात है कि थोड़ा सा 19.5 रुपये के ज़्यादा ऊपर है, तो थोड़ा सा कहने की परफेक्ट खरीदारी करने का लेवल नहीं है। मैं आपको बार बार बोला था कि 19-20 रुपये के आसपास इसको खरीदिएगा, अगर खरीदे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, तो देख लीजिएगा। अगर इंतज़ार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 19.5-20 रुपये के आसपास आता है तो अच्छी एंट्री रहेगी, क्योंकि बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास में, थोड़ा सा मतलब महंगा नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ा सा ऊपर मिल रहा है, बस यही कहने का मतलब। 27 रुपये के आसपास का पहला टारगेट और 35 रुपये का लॉन्ग टर्म में हम लोगों को टारगेट ये देने वाला है। स्टॉप लॉस अगर आपको फॉलो करना है तो इसी 19.5 रुपये के नीचे का आप लोग इसमें स्टॉप लॉस भी फॉलो कर सकते हो, बढ़िया रहेगा, नहीं तो फिर 17.5 रुपये नेक्स्ट इसका सपोर्ट बनने वाला है, देख लीजिएगा। अगले शेयर की बात करेंगे तो अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों को लॉयड स्टील लिमिटेड। लॉयड इंजीनियरिंग लिमिटेड में आज 1.5% की तेजी है, 82 रुपये पे इसने अपना प्राइस क्लोज किया। इसमें भी सेम वहीं 50 लाख इक्विटी शेयर इसमें टोटल ट्रेड हुए हैं, और जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू वहीं 42 करोड़ रुपये आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 32% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। अब इसका ट्रेडिंग सेशन देखिए कैसा था, गजब वोलेटाइल था। ओपन हुआ गैप अप के साथ ऊपर गया, फिर नीचे आया, एकदम गिरावट, क्लोजिंग प्राइस से भी नीचे, फिर ऊपर, फिर क्लोजिंग प्राइस से नीचे, और फिर जो है फाइनल ब्रेकआउट देके 1.5% की तेजी के साथ कैंडल क्लोज कर दिया। इसमें भी लेटेस्ट अपडेट कुछ नहीं आया भाई, जो
डेली इन्फॉर्मेशन मैं वहीं देने के लिए आया हूँ। और 22 करोड़ के आसपास 21 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, पिछले क्वार्टर में भी था, सेम क्वार्टर में 12 करोड़ था। अब इसमें हम लोग लोहित स्टील में देखेंगे तो अच्छा मोमेंटम है। आप लोगों को कल भी बोला था एक बढ़िया सा मोमेंटम आया था कि ठीक है, अब कंडीशन बढ़िया बनती हुई नज़र आ रही है, मोमेंटम पकड़ रहा है। 82 रुपये और 90 रुपये दो रेजिस्टेंस और इसको ऊपर फेस करना है। इस वाले जोन में मैं आप लोगों को बार बार बोला था खरीदारी करने के लिए, मतलब 75 रुपये के हर लेवल पे, 66 रुपये का स्टॉप लॉस, और जो हम लोग का टारगेट रहेगा 109 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये, ये जो है एक रेंज रहेगा, इसके आसपास का टारगेट आने वाले समय में हम लोगों को शॉर्ट टर्म में दे सकता है। तो इसी के लिए खरीदारी होगी, अभी भी ठीक कंडीशन में है। 20 DMA का बिल्कुल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, देखिए यहाँ पे ये ब्लैक वाली लाइन आ रही है 20 DMA, और इसी पे जो है कैंडल क्लोज, अब इसके ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो 84 का ही लेवल हो जाएगा। 84 के ऊपर अगर जाता है तो ये फर्स्ट लेवल पार कर गया है, सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल 90 रुपये, मेन 90 रुपये का लेवल है। 90 रुपये ब्रेक करेगा तो फिर सीधा 110 से 120, ठीक है ना, जाएगा। तो देख लीजिएगा आप लोग, व्यू पॉजिटिव है, व्यू इसमें होल्ड करने का है, खरीदारी करने का है, सब कुछ करने का है, ठीक है ना, बस बेचने का व्यू नहीं है। अक्षिता कॉटन लिमिटेड, अक्षिता कॉटन लिमिटेड का देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 24 रुपये, मतलब 23 रुपये 75 पैसे के आसपास इसने अपना कैंडल क्लोज किया है। 0.25% 1/4 फीसदी की तेजी देखने के लिए मिली है। 11 लाख वॉल्यूम इसमें जो है टोटल ट्रेड हुआ है, और टोटल कहेंगे कि 2.5 करोड़ रुपये के शेयर जो है ट्रेड होते हुए इसमें दिखे हैं। 41% के आसपास का इसमें डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है। अब ये कंपनी दे रही है हम लोग को बोनस, बोनस का रेशियो 1:1 है, 1:3 है, हर 3 शेयर के बदले में एक कंपनी हम लोग को 1 शेयर बोनस के तौर पे देगी, टोटल 4 शेयर हो जाएगा। लेकिन इसका अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आया है। आप लोग बार बार जो मैं प्रतिदिन वीडियो बना देता हूँ किसी न किसी चैनल पर, फिर भी पूछ रहे हो आप लोग कि रिकॉर्ड डेट बताइए, कब खरीदेंगे तो बोनस मिलेगा, खास करके इस तरह से क्वेश्चन, कब खरीदेंगे, तो इसका एक ही जवाब है, जब इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट आ जाएगा ना, तो उस रिकॉर्ड डेट से एक ट्रेडिंग सेशन पहले तक खरीदने पे बोनस मिलता है, या उस एक ट्रेडिंग सेशन पहले तक होल्ड करके रखना पड़ता है, तब आप लोगों को बोनस शेयर मिलता है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, अभी आप खरीदोगे तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से 20-25 दिन आप लोगों को होल्ड करके रखना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको जो है बोनस मिलेगा, क्योंकि अभी इस महीने के लास्ट में मेरे हिसाब से हो सकता है रिकॉर्ड डेट इसका एक्स डेट आए, उसके बाद कहीं जाके ये कंपनी बोनस हम लोगों को देगी। क्योंकि अगर बोनस के लिए मीटिंग डेट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो कब था, यहाँ पे था नवंबर में, ये तो दूसरा वाला है, ठीक है ना, इस वाला, ये वाला जो था ना, उससे 2 महीने का ये कंपनी पीरियड मान के चल रही है, तो 2 महीने आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि अभी से जो है, अभी आप लोगों को वही एक एक महीने के आसपास इंतजार करना पड़ेगा बोनस के लिए, ठीक है ना। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक कंडीशन है, होल्ड करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चार्ट पे बढ़िया कंडीशन है, 24 रुपये के ऊपर ऊपर तो मैं आप लोगों को हर डिप पे बाय करने के लिए बोला था, लेकिन लेवल थोड़ा सा नीचे ब्रेक हो रहा है 2 दिन से, थोड़ा सा ये दिक्कत है, थोड़ा बहुत नीचे और आ सकता है ऐसी संभावना है, क्योंकि 100 डे मूविंग एवरेज इसका नीचे के साइड में आ रहा है, 50 डे प्लॉट करेंगे तो 50 डे भी वहीं पर आ रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बन रहा है, दोनों यहाँ पे लेवल जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये एक परफेक्ट लेवल है, खरीदारी करने का ही व्यू रहेगा, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बाइंग रहेगी इसमें, और आपको स्टॉप लॉस में 21 रुपये और 20 रुपये के नीचे का फॉलो करना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम के लिए, और खरीदारी करने का व्यू रहेगा। 30 रुपये का फिलहाल में पहला टारगेट रहेगा, ब्रेक करेगा तो 35 रुपये तक का भी मोमेंटम दिखा सकता है, तो मेरा भी उसमें पॉजिटिव रहेगा, खरीदारी रहेगा, बेचने का भी अभी बिल्कुल नहीं है इसमें। देख लीजिएगा अगला शेयर आ जाएगा हम लोगों का, TTML भी आ जाएगा, टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड, बहुत दिन सोया था शेयर, थोड़ा सा जागा है, लेकिन फिर भी दिक्कत अभी फिर से हो रहा है इसमें। 1 करोड़ 29 लाख यहाँ पे देखेंगे, 1.3 करोड़ इक्विटी शेयर टोटल ट्रेड हुए हैं, 1 करोड़ 30 लाख, जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू 120 करोड़ रुपये आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो बहुत कम है, 20% का इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखने के लिए हम लोगों को मिला है। आज का अगर इसका ट्रेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ट्रेड देखेंगे तो गैप अप फ्लैट ओपनिंग दिया था और तेजी आई थी, फिर उसके बाद मंजी थोड़ा सा मतलब कंसिडर किया, कंटिन्यू थोड़ी सी तेजी शाम के टाइम में आई है। 20 अगस्त का इसका अपडेट तो आया है, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट के खोने का अपडेट है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, देख लीजिएगा। और रिजल्ट इसका भी 323 करोड़ लॉस हुआ था, 309 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और 301 करोड़ इसके सेम क्वार्टर में, तो लॉस कंपनी बुक कर रही है, पिछले 8 क्वार्टर से कंपनी लॉस बुक कर रही है, लॉस मेकिंग फॉर लास्ट 8 क्वार्टर, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है कंपनी के तरफ से। इसमें भी ठीक है, थोड़ा मोमेंटम की थी, उम्मीद थी कि ऊपर ऊपर मोमेंटम कर जाएगा,
हर एक 93 रुपये के डिप पे खरीदारी करने के लिए बोला था आप लोगों को, 85 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस फॉलो करने के लिए बोला था। तो ठीक है, अभी भी इसको हम लोग होल्ड करेंगे और खरीदारी करने का भी व्यू रहेगा। कल एक अच्छी सी तेजी आई थी, कैंडल बनी थी, लेकिन उसके बाद फिर से एक साइड बाय बन चुकी है कैंडल। तो देखेंगे ऊपर से 20 DMA का ये भी रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से 20 DMA आ रहा है, और यहीं पे जो है जस्ट आज का हाई और आज का 20 DMA मूविंग एवरेज का प्राइस लगभग लगभग दोनों सेम ही है। इसमें भी जब तक 95 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो संभावना रहेगी कि थोड़ी बहुत और गिरावट आए। तो सबसे मेन लेवल 95 रुपये या 100 रुपये, सॉरी 95 नहीं 100 रुपया है, ये रेड वाली लाइन, ये वाली कहाँ गया, ये ऊपर वाली लाइन, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली लाइन सपोर्ट के तौर पे है, ये वाली लाइन स्टॉप लॉस के तौर पे काम करेगी। 85 रुपये के नीचे जाके डेली कैंडल क्लोज करता है तो थोड़ा सा एक दो दिन और देख के आप लोग इसमें से जो है बिकवाली कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में 120 रुपये तक का ये हम लोगों को टारगेट अभी हाल फिलहाल में दे सकता है, उसके बाद कहाँ का टारगेट मिलेगा आगे हम लोग प्रेडिक्शन कर लेंगे जब जाएगा तब। देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करिएगा।